अर्जुन महादेव के अस्त्र त्रिशूल के बारे में पीयूष को बता ही रहा था कि तभी समीर खेत के पास जिप्सी रोक देता है। क्या हुआ, तूने जिप्सी क्यों रोक दी? अर्जुन ने कहा, यार देखने रहा, आगे रास्ता नहीं है, भूल गया, यहाँ से पैदल पैदल जाना पड़ता है तालाब के पास तक। समीर ने जिप्सी में से उतरते हुए कहा, हाँ भाई याद है। सभी लोग जिप्सी में से उतर जाते हैं और पैदल पैदल तालाब के पास जाने लगते हैं। जब वो लोग तालाब के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तालाब के पास एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी ऐसे बैठा हुआ था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। वो आदमी सांवले रंग का था, छोटे छोटे बाल, और उसके बगल में एक पोटली रखी हुई थी। यार ये कौन है और इसने रुद्र के चाचा को तालाब के पास क्यों बुलाया है? इससे पता नहीं क्या कि इस तालाब के अंदर कोई साया है? पीयूष ने कहा, पता नहीं यार क्यों बुलाया है, ऐसी कौन सी विधि है जिसको कराने के लिए तालाब के पास आना जरूरी था? समीर ने कहा, अब ये तो उसके पास पहुंचकर ही पता चलेगा। अर्जुन ने कहा, रुद्र, संतोष, अर्जुन और पीयूष को देखकर वो आदमी खड़ा हो जाता है। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई, संतोष ने उस आदमी से कहा। अरे कोई बात नहीं संतोष जी, मैं समझ सकता हूँ। तो फिर विधि शुरू करें? संतोष ने कहा। जी। संतोष तालाब के पास ही सीढ़ियों पर बैठ जाता है। रुद्र बेटा, तुम भी बैठ जाओ मेरे पास ही। जी चाचा जी। रुद्र अपने चाचा के पास जाकर बैठ जाता है। रुद्र के पीछे पीछे ही पीयूष भी जाकर रुद्र के पास बैठने लगता है, पर उसके बैठने से पहले ही अर्जुन पीयूष को टोकते हुए कहता है, मोटे तू कहाँ बैठ रहा है इस विधि में? इस विधि में बस परिवार के सदस्य ही बैठते हैं। अच्छा यार मुझे पता नहीं था, पीयूष ने कहा। पीयूष वापस जाकर समीर और अर्जुन के पास खड़ा हो जाता है। वो आदमी अपनी पोटली में से उस्तरा निकालता है और उसमें नई ब्लेड लगाता है। यार ये क्या, रुद्र और उसके चाचा के बाल काटने वाले हैं क्या ये? पीयूष ने कहा। हाँ यार लग तो वही रहा है, समीर ने कहा। वो आदमी अपने उस्तरे से पहले रुद्र के बाल काटने लगता है। रुद्र के बाल जमीन पर गिरने लगते हैं। रुद्र के बाल काटने के बाद फिर वो संतोष के बाल काटने लग जाता है। यार घर में किसी के गुजर जाने के बाद बाल कटवाना जरूरी होता है क्या? हाँ भाई जरूरी होता है। देख, मुंडन कराने के दो कारण है। पहला ये होता है कि मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करके उसे कम से कम तब तक याद रखना जब तक कि मुंडन रहता है। दूसरा ये होता है कि सभी तरह के संक्रमण से बचने के लिए शरीर को शुद्ध और साफ करना जरूरी होता है। जब मृत शरीर को जलाया जाता है तो उसमें से कुछ जीवाणु हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं। सिर में चिपके इन जीवाणुओं को पूरी तरह से निकालने के लिए ही मुंडन कराया जाता है। मृतक के परिवार के सभी पुरुष सदस्य और चाचा बाबा में सभी को मुंडन कराना चाहिए ताकि सूतक का असर कम हो। तुम्हें पता है हिंदू और जैन धर्म में मुंडन संस्कार तीन समय पर किया जाता है। पहला बचपन में, जन्म के पहले तीसरे पांचवे या सातवें साल में। दूसरा गायत्री मंत्र या दीक्षा लेते वक्त। और तीसरा किसी स्वजन की मृत्यु हो जाने पर। इसके अलावा किसी विशेष कर्म और तीर्थ में जाकर भी मुंडन किया जाता है। अर्जुन समीर और पीयूष को मुंडन का महत्व बता ही रहा था कि संतोष का भी मुंडन हो जाता है। मुंडन कराने के बाद नाई रुद्र के और उसके चाचा के बाल एक पॉलिथीन में भरने लग जाता है। यार वो सब तो ठीक है, पर क्या तू मुझे ये बताएगा कि ये नाई रुद्र और उसके चाचा के बाल पॉलिथीन में क्यों भर रहा है? अब इसका ये क्या करेगा? पीयूष ने कहा। यार नाई इन बालों को ले जाकर ऐसी जगह फेंकेगा जहां से ये किसी बुरे इंसान के हाथ ना लगे, क्योंकि तुझे पता है ना सबसे ज्यादा काला जादू बालों पर ही किया जाता है। और वैसे भी ये तालाब तो पहले से ही श्रापित है, गलती से भी अगर एक बाल भी यहाँ छूट गया तो पता नहीं क्या होगा। यार अगर ऐसी बात है तो ये मुंडन क्रिया रुद्र को उसके घर पर कर लेनी चाहिए थी, समीर ने कहा। नहीं भाई, ये क्रिया नदी या तालाब के पास ही की जाती है, और ये बात हमें मालूम है ना कि रुद्र के गांव में बस यही एक तालाब है। तुम्हें पता तो है कि अगर लड़कों को अपने बाल मुंडवाने पड़ते हैं तो लड़कियों को उनके नाखून भी कटवाने पड़ते हैं। अच्छा, तभी रुद्र के चाचा ने जाते वक्त कहा था कि अपने और स्वाति के नाखून काट लेना, पीयूष ने कहा।
शाम के 6 बज रहे थे। रुद्र के सभी दोस्त उसके कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। मुंडन करवाने के कारण रुद्र ने अपने सिर पर कैप पहन रखी थी। स्वाति अपनी माँ के साथ रसोई घर में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। स्वाति भिंडी की सब्जी काट रही थी कि तभी कोई दरवाजे की बेल बजाता है। स्वाति बेटा, जरा देखना कौन है। हाँ माँ, देखती हूँ। इतना कहकर स्वाति दरवाजे के पास जाती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि इंस्पेक्टर अजय आया होता है। माँ, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, स्वाति ने अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहा। आयशा अपने हाथ धोती है और हॉल की तरफ चली जाती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? आयशा ने अजय से कहा। जी हाँ, मैं वो केस की कुछ तहकीकात के बारे में पूछने आया हूँ। बेहतर होगा कि आप सबको बुला ले, मैं एक साथ ही सबसे पूछ लूंगा, अजय ने कहा। स्वाति बेटा, जा सबको नीचे बुला कर ले आ। जी माँ। स्वाति सीढ़ियां चढ़कर सबको ऊपर बुलाने चली जाती है। इंस्पेक्टर साहब, वैसे आपको पूछना क्या है और कैसा केस? मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। क्या आपको अभी भी लगता है कि दीदी को किसी ने मारा है? सारा गांव जानता है कि ये काम मेघ के ही चुड़ैल का है। जब से वो दरवाजा खुला है, बलमा टोला में कोई ना कोई अनहोनी हो रही है और उसके पीछे चुड़ैल का ही हाथ है। देखिए, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। मैं उसी पर यकीन करता हूँ जो पॉसिबल है, समझिए आप। एक साइको किलर है जो लोगों की नाभि गायब करके उनको मार रहा है। मुझे बस उसे पकड़ना है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें, समझिए आप। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जिठानी के कातिल को सजा हो? सजा तो तब होगी ना इंस्पेक्टर साहब, जब कोई मुजरिम हो। एक मरी हुई चुड़ैल को आप और आपका कानून क्या सजा देंगे? प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए और मुझसे तो आप ही चुड़ैल उड़ैल या डाइन की बातें ना ही करें, प्लीज। अजय और आयशा बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर स्वाति सबको बुलाकर ले आती है। इंस्पेक्टर साहब, आप? गौरी का केस तो सॉल्व हो गया था ना, फिर आप हमसे क्या पूछने आए हैं? हम तो अभी अभी शहर से आए हैं, समीर ने कहा। समीर की बात सुनकर अजय सोचने लगता है। अब इन्हें कैसे बताऊं कि गौरी का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, उसकी मौत की गुत्थी उलझी हुई है। समीर, मैं गौरी के केस के लिए नहीं बल्कि आंटी जी के केस की तहकीकात करने के लिए आया हूँ, और मैं तुमसे नहीं बल्कि रुद्र और उनके घर वालों से पूछताछ करने के लिए आया हूँ। लगता है कि स्वाति ने जल्दी जल्दी में तुमको भी बोल दिया कि इंस्पेक्टर साहब पूछताछ के लिए आए हैं। अच्छा, समीर ने कहा। तो पूछिए इंस्पेक्टर साहब, क्या पूछना है आपको? संतोष ने कहा। आपके घर के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित तो है ना? जी हाँ, सभी है, बस रुद्र के दादा को छोड़कर। उन्हें लकवा है ना, तो वो अपने कमरे में ही रहते हैं, और वैसे भी वो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। जब से उन्हें लकवा हुआ है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाते, आयशा ने कहा। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से ही सारी जानकारी ले लूंगा। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि